हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो भी एक ही ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में कुल 6 कंडीशन होता है, यानी कि 6 टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इन 6 कंडीशन को समझ लें कि कहाँ पर आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम एक ही ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो हमारा ट्रिक क्या है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हम शुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं उस फॉर्मूला को। वो हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, बस इसी से हम इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला कंडीशन आपके सामने है, कहा जा रहा है यहाँ पर जब एक ट्रेन किसी आदमी, पेड़, पोल, खंभा, टावर आदि को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई इसकी लंबाई के साथ नहीं जोड़ी जाती है। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, देखिए कहने का यहाँ ये मतलब है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ट्रेन है जिसका कुछ लंबाई होगा और कोई स्पीड से ये चल रहा होगा इस दिशा में, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। आदमी की जगह पर या तो यहाँ पर पेड़ हो, पोल हो, खंभा हो, यानी कोई ऐसा चीज़ हो जिसका खुद का लंबाई नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की लंबाई के साथ इसका लंबाई नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई लंबाई ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखें आप, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो रेलवे लाइन के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस में हम लिखेंगे ट्रेन की लंबाई। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लंबाई ही नहीं है, तो इसमें हमें डिस्टेंस में लंबाई, इसकी लंबाई तो जोड़नी नहीं है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह लिख देंगे 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड है कि ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो स्पीड की जगह हम लिखेंगे 30 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको ये एक बात समझना है कि यहाँ पर आप डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस अगर मीटर में दिया हुआ है तो स्पीड भी हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए होगा। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ होगा तो स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए होगा। यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड किलोमीटर में, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर आप देखें, मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ अगर दिया हुआ है, इसे हमें किलोमीटर में अगर बदलना हो तो हम 18.5 करते हैं, क्योंकि हम कम से ज़्यादा में जा रहे हैं। कम से ज़्यादा में जाना है तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे, और अगर किलोमीटर से हम मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, यानी ज़्यादा से हम कम में जा रहे हैं, तो हमें तो संख्या कम चाहिए, तो हम छोटी संख्या से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो गुना हम 5/18 करेंगे, और यहाँ पर गुना में टाइम, टाइम ही हमें निकालना है, तो टाइम की जगह टी को वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसे हमें काट कर सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा ये दोनों, और ये 18 3 से कट जाएगा 6 बार में, और यहाँ पर ये 10 है 5 से कटेगा 2 बार में, तो इसे हम काट देंगे। अब यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 2, 6 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेकेंड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, दूसरा कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, ट्रेन आदि को पार करती है तो इनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ी जाती है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है, जैसे यहाँ पर कोई एक ट्रेन है जिसकी कोई लंबाई है, ठीक है, और कोई स्पीड से ये चल रहा है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की जगह सुरंग हो, ट्रेन हो, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी खुद की लंबाई हो, तो टोटल डिस्टेंस में दोनों का लंबाई को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसकी भी कोई लंबाई है और इसकी भी लंबाई, जब ये ट्रेन ऐसे पार करेगा ये प्लेटफॉर्म को तो दोनों की लंबाई को जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां पर इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है यहां पर 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 110 मीटर लंबाई वाली एक रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूला का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर और प्लस करेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई 165 मीटर। अब यहाँ पर हमें स्पीड लिखना है। देखिए, ट्रेन की स्पीड यहाँ पर है 132 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिखा है मीटर में, तो हमें स्पीड भी चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर निकालना टाइम, तो टी को हम वैसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाता है 275। अब हमें इसे काट कर लेना है सॉल्व। तो देखिए, इसे कैसे काटेंगे।
ये 132 और 18 दोनों 6 से कट सकता है, तो 132 को 6 से काटेंगे तो 22 बार में कटेगा और ये 18 6 से 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पर 275 ये 5 से 55 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 55 है, यहाँ 22 है, दोनों 11 से कट सकता है, ये 11 से 2 बार में कटेगा और 55 11 से 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 5 और 3 को हम गुना करेंगे तो 15 होगा, 2 से भाग करेंगे तो टाइम हमारा क्या निकलेगा, 15/2 यानी कि 7.5 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए तीसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेन के चाल को घटाया जाता है, जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाएगी। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि ये एक ट्रेन है जो इस दिशा में जा रहा है किसी स्पीड से, और यहाँ पर एक दूसरा ट्रेन है जो इसी दिशा में जा रहा है कोई स्पीड से, तो ऐसी स्थिति में दोनों की स्पीड को हम आपस में घटाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है और दोनों का कुछ कुछ जो लंबाई होगा दोनों के ट्रेन के लंबाई को हमेशा हम जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कहा जा रहा है दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर और 120 मीटर है एक ही दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, पहले रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 120 मीटर, दोनों को हम जोड़ेंगे। अब दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है तब दोनों की स्पीड को हमेशा हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 72 माइनस करेंगे हम 54, ठीक है, 72 माइनस करेंगे 54। डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो गुना 5/18 हम करेंगे और गुना में टाइम वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ तो 220 आ जाएगा और इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 और गुना में 5/18 है और गुना में टाइम तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसे काट कर कर लेना है सॉल्व, तो यहाँ पर 18 से 18 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 220 5 से कट जाएगा 44 बार में, तो टाइम हमारा निकल गया है 44 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए चौथा कंडीशन आपके सामने है, जब दो ट्रेन उसकी विपरीत दिशा में चलती है तो दोनों ट्रेन के चाल को जोड़ा जाता है तथा दोनों ट्रेन की लंबाई भी जोड़ी जाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर एक ट्रेन है जो इस दिशा में जा रहा है किसी स्पीड से और यहाँ पर एक दूसरा ट्रेन है जो इस दिशा में आ रहा है कोई स्पीड से, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई को तो हम हमेशा जोड़ेंगे और दोनों का स्पीड जो होगा ये भी जुड़ जाएगा जब दोनों विपरीत चल रहा है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कहा जा रहा है कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, 137 मीटर और 163 मीटर को दोनों को हम जोड़ेंगे और दोनों का जो स्पीड है ये दोनों स्पीड को भी यहाँ पर हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों विपरीत चल रहा है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 दोनों को जोड़ेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं और टाइम हमें निकालना है तो गुना में टी वैसे ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा और गुने में हो जाएगा 5/18 और गुने में टाइम। अब इसे हमें काट कर कर लेना है सॉल्व, तो यहाँ पर 90/18 से कट जाएगा, 5 बार में इसे हम काट देंगे, ये 300 पहले 5 से कटेगा, 60 बार में इसे काट देंगे, फिर ये 5 से 60 कट जाएगा, 12 बार में इसे हम काट देंगे, यहाँ पर बच रहा है 12 और यहाँ पर बच रहा है टी, यानी कि टाइम हमारा निकल गया है 12 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए पांचवा कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक ट्रेन उसी दिशा में पैदल चल रहे मनुष्य को पार करती है तो ट्रेन के चाल से मनुष्य के चाल को घटाया जाएगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई के साथ मनुष्य की लंबाई हमेशा शून्य होगी। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ट्रेन है जो किसी स्पीड से इस दिशा में जा रहा है और यहाँ पर एक आदमी है जो ये भी इसी दिशा में जा रहा है किसी स्पीड से, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि दोनों की स्पीड को आपस में हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है और डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस की जगह सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को लिखेंगे क्योंकि मनुष्य की लंबाई तो होती ही नहीं है, इसलिए मनुष्य की लंबाई को हमें यहाँ पर डिस्टेंस में नहीं ऐड करना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए
देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई को यहाँ पर लिख देंगे 150 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है ट्रेन का भी और मनुष्य का भी, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है इसलिए दोनों को हम घटाएंगे, यानी 68 माइनस करेंगे 8, ठीक है। और ये किलोमीटर पर आवर है तो हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो गुना 5/18 और गुने में टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों स्पीड को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर तो 60 आ जाएगा, ठीक है, 60 आ जाएगा और बाकी सब तो वैसे ही है। अब यहाँ पर इसे हमें काटकर कर लेना है सॉल्व, तो यहाँ पर 0 से 0 ये दोनों कट जाएगा, ये 18 6 से 3 बार में कट जाएगा इसे हम काट देंगे, अब ये 15 5 से 3 बार में कटेगा इसे भी हम काट देंगे, यहाँ पर बच रहा है 3 और यहाँ भी है 3, तो टाइम हमारा क्या निकलेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 सेकेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए लास्ट कंडीशन देखते हैं, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है जब एक ट्रेन उसकी विपरीत दिशा से आ रहे मनुष्य को पार करती है तो ट्रेन की चाल में मनुष्य के चाल को जोड़ा जाएगा, लेकिन ट्रेन की लंबाई के साथ मनुष्य की लंबाई हमेशा शून्य होगी। देखिए यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ट्रेन है जो इस दिशा में जा रही है किसी स्पीड से, और यहाँ पर एक आदमी है जो ये आ रहा है इस दिशा में आ रहा है किसी स्पीड से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम करेंगे, डिस्टेंस की जगह पर तो सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को ही लिखेंगे क्योंकि मनुष्य की लंबाई तो होता नहीं है, और दोनों का स्पीड को हम जोड़ के लिखेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसके विपरीत दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रहे मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पर सिर्फ हम ट्रेन की लंबाई को यहां पर लिखेंगे 220 मीटर, ठीक है, और यहां पर स्पीड की जगह पर हम लिखेंगे दोनों के स्पीड को जोड़ के क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 59 और प्लस करेंगे 7, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए गुना करेंगे 5/18 से और गुना में टाइम वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 59 और 60 को जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा 66, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा, उसके बाद इसे काटकर कर लेंगे सॉल्व। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 66 है और ये 220 है, दोनों 11 से कट सकता है, तो 66 को काटेंगे 11 से तो 6 बार में ये कट जाएगा, 220 को काटेंगे 11 से तो ये 20 बार में कट जाएगा, फिर ये 20 है 5 से 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर है 6, ये 18 कट जाएगा ये वाले 6 से 3 बार में, ठीक है। 4 और 3 को गुना करेंगे तो यहाँ टाइम निकल के आ जाएगा 12 सेकेंड, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, तो इसके नेक्स्ट पार्ट का वीडियो देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।